नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, शिवपाल यादव को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, देखिए, राष्ट्रीय महासचिव बनते ही शिवपाल यादव का एक बड़े तौर पर विरोध हुआ। उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लगे, उनके काफिले को आधे घंटे तक रोक दिया गया। जी हाँ, ये खबर जो है सुल्तानपुर से निकल करके सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि जब शिवपाल यादव लखनऊ से बरेली जा रहे थे, उस समय हाईवे पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। जी हाँ, फोर लेन पर उनकी गाड़ी को आधे घंटे के लिए युवाओं ने रोक दिया गया। बता दें कि जाते वक्त जिस समय उनका काफिला जा रहा था लखनऊ से बरेली की ओर, फोर लेन सड़क पर उन्होंने कुछ काम के लिए अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन वहां पर देखते ही देखते युवाओं का जो है जमावड़ा लग गया और उनकी गाड़ी को रोक करके शिवपाल यादव मुर्दाबाद, शिवपाल यादव मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगातार लगने लगे। और ये यहां तक नहीं कि जो जिला अध्यक्ष हैं सुल्तानपुर के उस सपा के, उनके खिलाफ भी नारे लगने लगे, उनके खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिवपाल यादव का इतना विरोध हुआ तो हुआ क्यों, तो उसके पीछे भी कारण है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल यादव जो है उन्होंने वादा किया था कि जो शहीद हुए लखनऊ में जो सीआरपीएफ के जवान थे सुल्तानपुर के, रमाकांत यादव, उनकी शहादत के बाद ये आश्वासन दिया था शिवपाल यादव ने लवुआ गांव को, उसके पिता को, कि वो उनके घर जल्द आएंगे और उनके घर आकर के आने का आश्वासन दिया था। लेकिन शिवपाल यादव उस रास्ते से गुजरने के बाद भी रमाकांत यादव के घर नहीं पहुंचे, जिससे वहां के युवाओं का गुस्सा उठ गया और उन्होंने शिवपाल यादव के काफिले को रोक दिया। पुलिस ने किसी तरीके से आधे घंटे तक जो है इस मॉब को, इस भीड़ को काबू करने का प्रयास किया, लेकिन युवा काफी ज्यादा इस बात से आक्रोशित हो गए थे और शिवपाल यादव को लेकर के लगातार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। उसके बाद लगातार वो आग्रह कर रहे थे कि शिवपाल यादव को रमाकांत के घर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रमाकांत के घर नहीं गए शिवपाल यादव, जिसके बाद उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल फाइट।